हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं लेकर आई हूँ अपनी रेसिपी, वो है मेरी पेड़े मिठाई की। तो ये पेड़े हमने बहुत ही टेस्टी बनाए हैं और दोस्तों, जितने देखने में ये सुंदर लग रहे हैं ना, खाने में भी यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी है। ट्रस्ट मी, आप इसको बनाइए और एक बार इसकी रेसिपी पूरी देखिए और पूरी देखने से ही आपको समझ में आएगी ये मैंने किस तरह से बनाई है। तो ज़रूर इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो देख लेते हैं किस तरह से बनाए हैं हमने ये पेड़े की मिठाई। तो इसके लिए हमने ले लिया 1/4 कप ले ली है शुगर, ठीक है, और कप के अंदाजे से मैंने सारी चीजें ली हैं। और 1 कप ले लिया है हमने बेसन, 1/2 कप ले लिया हमने कोकोनट पाउडर, ये रेडीमेड आ जाता है, आप इसको घर में भी ट्राई कर सकते हैं। और 1 कप ले लिया हमने मिल्क, और यहाँ पर हमने ले लिया देसी घी। तो ओनली 4 हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं और इन्हीं से ही हम इतनी बढ़िया सी मिठाई तैयार करेंगे दोस्तों। कम बजट वाली है, लॉकडाउन में बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, इसको आप बना लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्सी जार, और इसमें अभी हम डालेंगे जो हमें 1/2 कप ले लिया है ना पाउडर, कोकोनट पाउडर, तो इसको डालेंगे। और उसमें 1 कप डाल देंगे मिल्क। अभी हम इसको डालकर अब हम इसको ना चलाएंगे, यानी इसको पीस लेंगे मिक्सी में। इसका पेस्ट हम इस तरह से तैयार कर लेंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमने अच्छे से चला लिया है। अब एक बाउल लेंगे, छलनी रखी है उसके ऊपर, और 1 कप ले लिया हमने बेसन, और इसको डालकर हम ना छान लेंगे। तो आप देख लीजिए अच्छे से छान लिया है। अभी हमने ले लिया है कढ़ाई, और कढ़ाई की रख दिया है हमने गरम होने के लिए। कढ़ाई में अभी हम डालेंगे, ये बड़ी स्पून है, और इसमें हम 1/4 स्पून डाल देंगे देसी घी। बहुत ही इजी है ये, और इसको बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो दोस्तों अभी इसमें हम डाल देंगे अपना छना हुआ बेसन, और अभी हम इसको डालकर ना पीस लेंगे, तो सॉरी भून लेंगे। इसको डालकर अभी हम इसको भून लेंगे। तो बेसन का जो कच्चापन है ना, वो निकल जाना चाहिए भूनते हुए, और जब तक भूनेंगे जब तक कि घी हमारा बेसन छोड़ ना दे। तो भूनते भूनते जो है ना हमारा घी बेसन को छोड़ देगा, तो तब तक हम इसको भून लेंगे। आप देख सकते हैं भून चुका है हमारा बेसन अच्छे से, और घी भी छोड़ दिया है बेसन ने। अभी हम इस टाइम डाल देंगे शुगर, जो हमने 1 कप ली है ना, वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसको डालकर अब हम फिर से इसको भूनेंगे। यहाँ पर हम ना गैस बहुत ही ना स्लो कर देंगे, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे नहीं रखना है गैस को। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है बेसन के अंदर, अभी हम डाल देंगे जो हमने कोकोनट पाउडर मिल्क में पीस के रखा था ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको डालकर अब हम इसको ना अच्छे से मिलाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे हमारा बैटर जो है ना गाढ़ा होने लगेगा। पर हम डाल देंगे पिसी हुई इलायची पाउडर, थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे दोस्तों। इसे क्या ना हमारे पेड़े में बहुत ज्यादा टेस्ट और जो ना फ्लेवर आएगा। और आप देख सकते हैं पेड़े के लिए हमारा बैटर एकदम रेडी हो चुका है। इस तरह से कढ़ाई को छोड़ने लगता है बैटर, तो समझ लीजिए हमारा तैयार है। और आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, फिंगर पे ले लें और आप इसकी ना इस तरह से गोली से बना के देखें, और ये बन जाती है ठीक से। तो समझ लीजिए तैयार है पेड़े बनाने के लिए। तो बस गैस बंद कर दी है, और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और अभी हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद इस तरह से थोड़ा सा हाथ से हम मल लेंगे, और इसके हम पेड़े तैयार करेंगे। इस तरह से आप पेड़े बनाए,
इसमें कर देंगे हम पिस्ते। तो ये देख लीजिए हमने सारे पेड़ तैयार कर दिए हैं। सभी पेड़ पे हम इस तरह से जो है ना पिस्ते रखेंगे। तो दोस्तों ये हमारे पेड़ की मिठाई बनके तैयार है और बहुत ही इजी है, अब बजट में है और इस लॉकडाउन के समय में ना आपको बाहर की मिठाइयाँ खाने का दिल कर रहा है तो फटाफट से बना लीजिए। इजी टू मेक रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी यम्मी है। तो दोस्तों जल्दी से इसको लाइक और शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।